सवाल नंबर एक, पेटीएम किस देश की कंपनी है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी चीन। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। सवाल नंबर दो, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है ए 1 से 4 सप्ताह, बी 6 से 8 सप्ताह, सी 5 से 7 सप्ताह, डी 2 से 3 सप्ताह। सही जवाब है ऑप्शन बी 6 से 8 सप्ताह। सवाल नंबर तीन, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए अगस्त 2010, बी अगस्त 2011, सी अगस्त 2009, डी अगस्त 2012। सही जवाब है ऑप्शन ए अगस्त 2010। सवाल नंबर चार, कौन से फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन है ए सेब, बी आम, सी कीवी, डी अनार। सही जवाब है सी कीवी। सवाल नंबर पांच, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? ऑप्शन है ए नारियल का तेल, बी बादाम का तेल, सी जैतून का तेल, डी सरसों का तेल। सही जवाब है सी जैतून का तेल। सवाल नंबर छह, कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? ऑप्शन है ए बैगन, बी पालक, सी मटर, डी गोभी। सही जवाब है बी पालक। सवाल नंबर सात, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? ऑप्शन है ए गधी, बी गाय, सी बकरी, डी भैंस। सही जवाब है ऑप्शन ए गधी। सवाल नंबर आठ, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी ओ ब्लड, सी मीठा खून, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ओ ब्लड। सवाल नंबर नौ, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? ऑप्शन है ए पत्ता गोभी, बी शिमला मिर्च, सी पालक, डी टमाटर। सही जवाब है ऑप्शन सी पालक। सवाल नंबर दस, अमेजोन की एक दिन की कमाई कितनी है? ऑप्शन है ए 310 करोड़, बी 300 करोड़, सी 240 करोड़, डी 340 करोड़। सही जवाब है ऑप्शन डी 340 करोड़। सवाल नंबर 11, दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है ए मीशो, बी अमेज़न, सी आजो, डी फ्लिपकार्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी अमेज़न। सवाल नंबर 12, मीशो किस देश की कंपनी है? ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी जापान। सही जवाब है ऑप्शन
एक भारत। सवाल नंबर 13, अमेज़न कंपनी भारत में कब आई है? ऑप्शन है ए फरवरी 2011 में, बी फरवरी 2012 में, सी फरवरी 2015 में, डी फरवरी 2013 में। सही जवाब है ऑप्शन बी फरवरी 2012 में। सवाल नंबर 14, विश्व में सबसे ज्यादा हथियार किट देश के पास है? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी इजराइल। सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। सवाल नंबर 15, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? ऑप्शन है ए नाशपाती, बी यूबरी खरबूज, सी खरबूजा, डी अनार। सही जवाब है ऑप्शन बी यूबरी खरबूज।